श्री हरि शरणं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभांति व्याख्या भी की है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूपों को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है। बाल प्रबोधिनी टीका में आचार्य कहते हैं, तत्र तत्र शास्त्रे जत पुंसां एकांतत श्रेयः अविनाशी फलम भवता विनिश्चितम हे श्रुत तन्नो अस्मभ्यं त्वं अंजसा ग्रंथार्जवेन संसितुं कथितुं अर्हसि इति अन्वयः। मनुष्यों के एकांत श्रेय और अविनाशी फल किस में है यह निश्चित करके आप हमें कृपया बताइए, यही पहला सवाल है। इसके उत्तर में सूत मुनि कहते हैं, हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जो होते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। सर्व शास्त्रों के सार के बारे में श्री सूत जी यहां पे कहते हैं, सबई पुंसांग परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहितिक्च प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च जद हैतुकम्। श्रीपाद जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, तदेवं सर्वशास्त्र सारस्य श्री कृष्णाख्य स्वयं भगवत आविर्भाव प्रश्न लक्षित तद भक्ति लक्षणस्य श्रेयस परम सर्वोत्तमत्वं बोधयितुं भगवता आविर्भाव मात्रस्य भक्ते सर्वोत्तम श्रेयस्त्वमाह स वै इत्यादिना।
अतो वै कवय इत्यन्तेन ग्रंथेन जतो धर्मान अधोक्षज भक्ति तत्कथा श्रवणादिषु रुचिर्भवति धर्मः स्वनुष्ठित इत्यादौ व्यतिरेकेण दर्शयिष्यमानत्वात् स वै स एव स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणी इति वक्ष्यमाण रीत्या तत्संतोषणार्थमेव कुतो धर्म परः सर्वतः श्रेष्ठः न निवृत्तिमात्र लक्षणोऽपि वै मुख्या विशेषात् तथा च श्री नारद वाक्यम् नैष्कर्म्यमपीत्यादौ कुतः पुनः शश्वदवद्रमीश्वरे नचार्पितं कर्मं जतप्रकारणम् इति ततः स एवैकान्तिकं श्रेयः इति अर्थः अनेन भक्ते तादृशधर्मतोऽप्यतिरिक्तत्वमुक्तं तस्याः भक्तेः स्वरूपगुणमाह स्वत एव सुखस्वरूपत्वात् अहेतुकी फलान्तरानुसन्धानरहिता अप्रतिहता तदुपरि सुखद पदार्थान्तराभावात् केनाप्यवबोधयितुम् अशक्या केनापि व्यवधातुम् अशक्या च जातायां च तस्यां रुचिलक्षणायां भक्त्यां त्वैव श्रवणादिलक्षणसाधन भक्तियोगः प्रवर्तितः स्यात् ततश्च यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्तकिञ्चनेत्याद्यनुसारेण भगवत्स्वरूपादिज्ञानं ततोऽन्यत्र वैराग्यं च तदनुगामीव स्यात् इत्याह वासुदेव इति अहेतुकं ज्ञानं आसु ईषत् श्रवणमात्रेण जनयति ज्ञानं च जदहेतुकं इति पाठः कथित। शुद्ध जी कह रहे हैं धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है, भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है, बहुत कर्म करके स्वर्गादि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के जश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भगवत भक्तों के
सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव कम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ जागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूतपतियों की उपासना न करके विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिनका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। अब शौनकादि ऋषियों ने तीसरा सवाल करते हैं। शूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतं पतिहि देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही कि यदुवंशियों की रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। इसका उत्तर बाल प्रबोधिनी टीका में श्री गिरिधर जी करते हैं। अथ शूत जानासि भद्रंते इत्यादिना जत श्री कृष्णावतार प्रयोजनं तच्चरितं च पृष्ठं तत्त्व विशिष्य दशम स्कंधादिषु वक्ष्यते इदानीं तु सर्वावतार साधारणं प्रयोजनं वदन् पालन रूपां लीलामाह भावयतीति। देवादिषु ये लीलावतार तेषु अनुरतः अनुरक्तः संस्तत् तत् अवतारै एष वासुदेव एव सत्वेन गुणेन युक्तो लोकान् सजीवान् अनंतकोटि ब्रह्माण्डात्मकान् भावयति पालयति। ततो लोकभावनः लोककर्ता यदि कर्ता न पालयेत् तदा कः पालयेत्। लीलावतार अनुरत इत्य अनेनैव पालने तस्यायासो नास्ति इति सूचितम्। वै एव काराथ तत्र देवेषु वामनादयः
तिर्यक्षो मच्छादयः नरेषु रामकृष्णादयः आदि पदेन मिश्रेषु नरसिंह हयग्रीवादयः। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। यही भगवान का प्राकट्य होने का उद्देश्य है। लोकान भावयत उत्पादयति ब्रह्माद् बारेति तथा भूत विष्णु एतत् विश्वपालन लक्षणम्। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका टीका में कहते हैं, इदानीं सूत जानासीति प्रश्नस्योत्तरम् आह भावयति पालयति एतत्तु सर्वावतार साधारणं प्रयोजनम्। विशेषतः कृष्णावतारस्य कुंतिस्तुतो वक्षते लोकभावनो लोकभर्ता देवादिषु ये लीलावतारा तेष्वनुरतोऽनुरक्तः। लोकान् भागवतं स्व प्रेमयुक्तान् करोतीति सर्वावतार साधारण प्रयोजनम् लोकभावनः जतो लोककर्ता। इति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादन पादेन उक्तम्। श्री हरिशरणम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद रथंग पाणी गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।